लाडली बहना योजना की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर बहनों को तोहफा दिया है। यह विचार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में लाडली बहना योजना का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए। इस योजना में 2.5 लाख तक आय वाली महिलाओं के आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाएंगे। इससे हर महीना महिलाओं को घर खर्च के लिए 1000 रुपये जून से मिलना प्रारंभ होंगे। कार्यक्रम में उपस्थित मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि जिन माता बहनों को 600 रुपये पेंशन नहीं मिलती उन्हें लाडली बहन योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर अम्बा विधायक कमलेश जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज कंसाना, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिरा डंडोतिया, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि, कलेक्टर अंकित अस्थाना, पुलिस प्रभारी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश मुख्यालय से लाडली बहना के सिम्बोलिक तौर पर एक आवेदन भर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहन के आवेदन भरने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। ये अधिकारी महिलाओं के आवेदन भरेंगे, किसी भी बहन को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रसारित हुआ था। इसे लाखों बहनों ने LED पर लाइव देखकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री व प्रभारी मंत्री तथा जिला पंचायत अध्यक्ष ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को सॉल श्रीफल CCL की राशि से सम्मानित किया। और आज लाडली बहना योजना का बहर्द कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं लाखों लाख बहनों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहन को एक साल में 12,000 रुपये मिलेंगे, प्रति माह 1,000 रुपया। मैं समझता हूं यह योजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के महिलाओं के जीवन में एक नया प्रकाश लेके आएगी।